हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सवाल से हम एक बार फिर आपके साथ रूबरू हैं। जी हाँ, कहता है खंभे में बंदर चढ़ता है, फिसलता है, चढ़ता है, फिसलता है, फिर क्या होता है कि आप भी जब परीक्षा में सवाल आता है तो आप भी चढ़ते हैं, फिसलते हैं, बंदर के साथ आप भी चढ़ते हैं, फिसलते हैं, यानी कि आपका समय जाता है, बार बार आप चढ़ते फिसलते हैं। पहले बंदर को आप चढ़ाएंगे, फिर फिसलाएंगे, फिर चढ़ाएंगे, इस तरह से बहुत तो आपका तो समय जाता है। तो क्या करें समय ना जाए, तो हम किस लिए हैं आपको, हम इसीलिए तो हैं आपका समय बचाने के लिए। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है ज़बरदस्त तरीका आपका रीजनिंग में खंभे पे चढ़ने और फिसलने का, क्या है तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास्ट के। पहला है सवाल है आपका, एक बंदर 45 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। हमको कुछ नहीं करना है, ये 45 मीटर का हमने क्या किया, खंभा बना लिया, इट्स ओके okay? फिर कहता है कि पहले मिनट में वह 15 मीटर चढ़ता है, एक मिनट में वो 15 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट में 12 मीटर फिसल जाता है, तो वो कितने मिनट में शीर्ष पर पहुंचेगा। तो देखिए, एक मिनट में वो 15 चलता है तो पर चलता है तो आखिरी जब वो 15 मीटर उसका बचेगा तो वो फिर फिसलेगा नहीं, वो टॉप पर पहुंच जाएगा। टॉप पे पहुंचने के बाद आदमी फिसलता नहीं, ये बताइए कि टॉप पे पहुंचने के बाद आदमी की क्या होती है, टॉप पे जब पहुंच जाता है तो क्या वो टॉप पर हमेशा कभी सेकंड रैंक आना लाना चाहता है, नहीं ना, हमेशा फर्स्ट ही आना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से बंदर है, वो टॉप पे पहुंचने के बाद फिसलता नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि एक मिनट में वो कितने मीटर चढ़ता है, एक मिनट में वो 15 मीटर चढ़ता है, ठीक है हमने मान लिया। कह रहा है कि दूसरे मिनट में वो 12 मीटर फिसल जाता है। भैया, एक और मिनट वो लेता है और माइनस 12 हो जाता है, यानी कि जितनी ग्रोथ की थी उससे थोड़ा सा कम वो क्या होता है, डाउन हो जाता है। एक एक दो मिनट हो गया आपका, दो मिनट में वो कितने मीटर चढ़ा, केवल 3 मीटर चढ़ा। ठीक है, यही तो सवाल का कह रहा है, दो मिनट में 3 मीटर चढ़ा। अब आपको दूरी कितनी तय करनी है, 30 मीटर और करनी है, क्योंकि 15 ये आखिरी मिनट में पहुंचेगा, तो 3 मीटर अगर 2 मिनट में चढ़ता है तो ये 30 मीटर कितनी बार में चढ़ेगा, 10 बार कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ पे 10 का आप गुणा कर दीजिएगा 30 मीटर, यानी कि ये यहाँ पे 10 बार जब चढ़ेगा, यानी कि ये टोटल इसमें जब ये देखिए एक बार चढ़ता है एक बार फिसलता है तो यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी आप 10 से गुणा करेंगे, यानी कि वो 20 मिनट में 30 मीटर चढ़ता है। ठीक है, अब 20 मिनट में 30 मीटर चढ़ चुका है, ये दूरी इसने कवर कर ली। अब जब अंतिम प्रयास करेगा तो वो टॉप पर पहुँच जाएगा, यानी कि 20 और प्लस क्या करेगा, ये जो 15 है अंतिम कोशिश करेगा, 30 के बाद जैसे वो चढ़ेगा 15 मीटर वो टॉप पे पहुंच जाएगा, फिर वो फिसलेगा नहीं, तो एक मिनट ये हो गया। तो टोटल समय कितना लगा उसको, 21 मिनट में वो कितने कहाँ पहुंच जाएगा, टॉप पर पहुंच जाएगा, यही आपका सवाल कह रहा है। इसी तरह तो आपको करना है, पहले आपको जो अंतिम दूरी है उसको लिख लेना है, यानी कि एक मिनट में कितना है तो टोटल में से उतना घटा देना है, 30 को 30 बचा है तो 30 को आपको चढ़ाने का प्रयास करना है। एक मिनट में 15 चढ़ता है, फिर एक मिनट में 12 फिसल जाता है, यानी कि टोटल वो दो मिनट में 3 मीटर जो है चढ़ेगा। ठीक है, अब फिर क्या कहेगा कि आपको यहाँ इसको पहले क्या करना है, देखिए इससे कम नहीं चढ़ाना है, इससे आप ज़्यादा चढ़ा सकते हैं, इससे कम चढ़ाएंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, इससे ज़्यादा अगर आपका नहीं ये डायरेक्ट नहीं कट रहा है इससे तो आपको ज़्यादा चढ़ा सकते हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट कट रहा है, 3 धम्मा 30, यानी कि 30 मीटर वो चढ़ेगा, कितना 2 धम्मा 20 मिनट में, फिर अंतिम जो छलांग है इस 30 के बाद वो मारेगा तो अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएगा 45 मीटर पे 21 मिनट में। ये रहा आपका सवाल। चलिए अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये हमारा पहला सवाल था, दूसरे सवाल की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा, फिर से आप समझिए इसको, कह रहा है कि एक बंदर एक मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है, कुल 90 मीटर के खंभे में चढ़ने का कितना समय लेता है। तो भैया ये हम कह रहे हैं कि ये 90 मीटर का हमने खंभा बना दिया, कह रहा है कि एक मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, तो फिर हम यहाँ पे सीमा इसकी बांध दिए, 10 मीटर अंतिम हमने घटा दिया, अब ये 80 चढ़ेगा। ठीक है, ये 80 से कम नहीं चढ़ेगा, 80 से ज़्यादा चढ़ सकता है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि एक मिनट में 10 मीटर,
ठीक है, चढ़ता है, फिर दूसरे मिनट में क्या है 4 मीटर फिसल जाता है, तो यह टोटल 2 मिनट में कितना है 6 मीटर चढ़ता है। ठीक है, अब इसको आप 6 से यहाँ पे गुणा करिएगा तो कितना जाएगा, 63 78 कम होगा। हमने पहले बताया है कि कम, इससे कम नहीं चढ़ना, अगर बराबर ये इससे कट जा रहा है यानी कि बराबर हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो इससे ज़्यादा हमेशा लाना है। तो यहाँ पे 63 78 नहीं होगा, 64 84, तो यानी कि इसको आप 14 से गुणा करिएगा। अब 14 से इस पर गुणा करिएगा तो इस पर भी तो करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 28 64 84, यानी कि वो 28 मिनट में कितने मीटर चढ़ रहा है, 84 मीटर चढ़ रहा है। अब इसे क्या है, अंतिम जब वो चढ़ेगा तो भैया अंतिम उसका अब 84 चढ़ गया है, यानी कि इससे ज़्यादा थोड़ा सा चढ़ गया है, यानी कि वो 4 ज़्यादा चढ़ गया, उसे कितना चढ़ना, 6 चढ़ना है, 6 चढ़ना है, तो यानी कि पूरा वो एक मिनट नहीं लेगा, अब उससे कम समय लेगा, क्योंकि एक मिनट में वो 10 मीटर चढ़ जाता है, यहाँ पे उसे 6 ही चढ़ना है, तो कितना समय लेगा, 84 सही 6/10, यानी कि 6/10 है और 4/10 उसे चढ़ना था, 84 सही 6/10 मिनट लेगा। ठीक है, तो ये आपका 84 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 84, इतना इसको चढ़ना है, अंतिम मीटर वो कितने में चढ़ेगा, 28 सही कितना 6/10 में चढ़ेगा वो, यानी कि जो अंतिम मीटर जो एक मिनट में चढ़ना था उसका 6/10 लेता है, ये आपका उत्तर हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है, आपसे समय मिनट में पूछ रहा है तो क्या करेंगे आप, तो आपको क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा काट दीजिएगा, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 यानी कि 28 सही 3/5। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए अब आपसे मिनट में पूछा है, तो मिनट में ज्ञात करने के लिए आप किसी चीज़ से 60 से गुणा कर दीजिए, तो 12 5 60 12 3 36 यानी कि 28 मिनट 36 सेकंड में वो कहाँ पहुँचेगा, टॉप पे पहुँच जाएगा, ये आपका उत्तर रहा। इस तरह के सवाल आजकल की परीक्षा में ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अब आपको टफ करने का पैटर्न आ चुका है, यानी कि पहले इस तरह के सवाल भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस तरह के भी सवाल आते हैं। अगर इस तरह का सवाल आ गया तो आपसे कह सकते हैं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि 84 पहुँच जा रहा है, अंतिम तो ज़्यादा चढ़ रहा है, यानी कि फिर आपका सारा वहाँ पर चौपट हो गया, आप इतना 1 से 1.5 मिनट यहाँ पर बर्बाद किए सॉल्व करने में, उसके बाद सारा चौपट हो गया। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका चौपट नहीं होगा, एग्जैक्टली आंसर आएगा। एक बार हम जल्दी से फिर से रिपीट कर देते हैं, देखिए कह रहा है कि 90 मीटर चढ़ना है, तो हमने पहले सीधा 90 मीटर का खंभा बना लिया, फिर कह रहा है कि एक मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, तो हमने अंतिम 10 को अलग कर दिया, बचा 80। अब 80 में देखते हैं कि कह रहा है कि एक मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट क्या है 4 मीटर सरक जाता है, नीचे उतर जाता है, यानी कि 2 मिनट में वो टोटल 6 मीटर चढ़ता है। अब हमने कहा कि भैया ये इनको 80 जाना है, तो यहाँ पे 63 78 इससे कम नहीं जाना है, इससे अगर कम जा रहा है तो नहीं, इससे ऊपर अगर हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर 14 6 84, तो 14 से गुणा करिएगा तो वो 84 मीटर, और 28 मिनट में वो 84 मीटर ऊपर जाइएगा। ठीक है, अब बचा आपके पास 84, यानी कि आप इससे भी ऊपर यहाँ तक आ गए हैं, और आपको अब 6 मीटर बचा है। अब आप सवाल कह रहा है कि एक मिनट में वो 10 मीटर चढ़ जाता है, तो आपको 6 ही चढ़ना है, तो 6/10 हो जाएगा आपका। अब 6/10 को आप अगर समय में कन्वर्ट करिएगा तो 36 सेकंड आएगा, यानी कि 36 सेकंड में वो 6 मीटर जाएगा, तो 28 मीटर 36 सेकंड आपका उत्तर आएगा, यही परीक्षा में आपका उत्तर रहेगा। तो ये आपके रीजनिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहा, इसको आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप सफल होइएगा परीक्षा में, कठिन से कठिन सवाल आप आसानी से चुटकियों में कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तथा वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।